हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आज आपके लिए मैं पिज्ज़ा की रेसिपी लाई हूँ। सॉस भी घर पे बनाएंगे, भाजी भी घर पे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो देखते हैं। प्लस मैं फर्स्ट अभी आपको सॉस बनाना सिखा रही, इंस्टेंट 5 मिनट में बनता है वो सॉस। चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट में आपको लहसुन चाहिए रहेगा, बेजल लीव्स रहेगा, नहीं तो आप पुदीना भी ले सकते, तुलसी भी ले सकते हो, उसके बदले पुदीना नहीं लेना, सॉरी, बेजल लीव, ओरिगेनो, चिली, रेड चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक टेस्ट के हिसाब से, और केचप लिया है मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन डालेंगे। जेन सॉस में आप लहसुन मत डालना, जेर मराओगे तो लहसुन मत डालना। उसके बदले अब ये जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो वो डालना। आप बेजल लीव्स डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे। और अच्छे से उसको मिला लेंगे एक साथ। अब नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से भी, और अच्छे से उसको मिला लेंगे। आपका इंस्टेंट सॉस रेडी हो गया पिज़्ज़ा का। अभी भाजी कैसे बनता है वो बताती हूँ। मैंने टमाटो लिया है, शिमला मिर्च लिया और मैंने स्वीट कॉर्न लिया है। आप कोई भी भाजी ले सकते हो, ऑनियन भी ले सकते हो, बेबी स्वीट कॉर्न्स भी लेते हो, ऑलिव्स भी ले सकते हो, बट मुझे अवेलेबल जो मिली है मैं वो अवेलेबल ले रही हूँ, और नमक लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने अभी कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं अभी शिमला मिर्च और टमाटो डाल रही हूँ, दोनों एक साथ ही डालेंगे। इसको अच्छे से अभी पकाने रखेंगे। और स्वीट कॉर्न अपन को बॉईल करके ले लिया है, स्वीट कॉर्न अभी बॉईल करके लेना है, तो मैं अभी दूसरे गैस पर चढ़ा रही हूँ अभी स्वीट कॉर्न को। मैंने स्वीट कॉर्न अभी रख दिया है पानी डाल के, उसको फास्ट फ्लेम पे बॉईल करने के लिए। अभी भाजी को भी अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अभी फास्ट फ्लेम पे अपन को पकाना है उसको, और इसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर उसमें नमक डालेंगे 2 मिनट के बाद। भाजी को 2 मिनट हो गया है, अभी इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, बाद में मुझे डालने का ज़रूरत ना पड़े इसके लिए। अच्छे से इसको पका लेंगे अभी, अब अच्छे से मिला के अपन इसको पका लेंगे 5-10 मिनट तक, जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। पूरी तरह से पकाना नहीं, एकदम सॉफ्ट होने तक ही पकाना है इसको। भाजी बनके रेडी हो गया, अब इसका गैस ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से भाजी को। और स्वीट कॉर्न भी अच्छे से बॉईल हो रहे हैं, तो उसको और बॉईल करना है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। स्वीट कॉर्न भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनता है। पिज़्ज़ा बेस लिया है, चीज़ डिप लिया है, मैंने घर पर बनाया है सॉस, चीज़ डिप, ऑरिगेनो, बेजल, चिली फ्लेक्स, चीज़, भाजी जो बनाया था, स्वीट कॉर्न सॉस बनाया था वो लिया है, और बटर लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसमें बटर लगा रही हूँ थोड़ा, अच्छे से मैंने बटर लगा लिया। अभी जो सॉस लिया था अभी वो सॉस लगा रही हूँ मैं। थोड़ा चीज डिप ग्राउंड करके डाल रही हूँ। और इसमें भाजी डालूंगी, अच्छे से भाजी डालेंगे। अब इसमें स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ थोड़ा सा, फिर वापस से मैं चीज़ डिप डाल रही हूँ चीज़ी फ्लेवर आने के लिए। अब इसमें मैं ऑरेगनो डाल रही हूँ, बेजल लीव्स डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ।
अभी मैं चीज़ ग्रेट करके उस पर चीज़ डालूंगी। और वापस से मैं और थोड़ा चीज़ डिप डालूंगी साइड साइड से। हो गया अपना। अब इसको भी तवी पे सेकेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। मैंने मीडियम साइज का बर्नल वाला, हम लोग का 3 गैस वाला, तो हम लोग ने मीडियम साइज वाला में बर्नल लिया, स्लो गैस पे करना, नॉन स्टिक पैन लिया मैंने। अब इसको मैं पिज्ज़ा डाल के रखूँगी और उसको ढक दूँगी अच्छे से, और उसको चीज़ मेल्ट होने तक रखूँगी। गाइस पिज़्ज़ा अपना रेडी है, देख सकते हो कितना मैं चीज़ एंड टेम्पटिंग लग रहा है पिज़्ज़ा। गाइस पिज़्ज़ा एकदम रेडी है अपना, तो गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी रेसिपी कैसी अच्छी बनती है, बुरी बनती है। आप भी अपना ओपिनियन दिया करो कि क्या गलत है क्या सही है। प्लीज़ गाइस, थैंक यू।